जनपद मिर्जापुर के बथुआ तिराहे या आप यूं कहें कि सेक्टर मिल चौराहे के अति नजदीक रुद्रा कॉलोनी में हम मौजूद हैं। और जिस तरीके से इंटेलीटॉर्स स्कूल इस वक्त तमाम ऐसे परिजनों के लिए पहली प्राथमिकता बनता नजर आ रहा है, क्योंकि बताया यहां तक जा रहा है कि चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे सुविधाओं का मामला हो, या बच्चों के आने जाने के लिए जो तमाम सुविधाएं भी इस विद्यालय के माध्यम से मुहैया कराई जा रही है, शिक्षा के मामले में सर्वश्रेष्ठ कहा जाने वाला इस विद्यालय के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निसंदेह विश्व स्तरीय गुणवत्ता का भी बताया जा रहा है। अति प्रशिक्षित शिक्षण संस्थान के रूप में अब इस स्कूल के नाम दर्ज हो जाने के बाद उनके द्वारा तमाम ऐसे छात्रों को शिक्षित किया जा रहा है, ताकि जो बच्चों का बेस होता है, जो न्यू होता है, अगर वो बेहतर तरीके से सींचा जाए, सवारा जाए, सहेजा जाए, तो बच्चों का भविष्य निसंदेह अत्यंत सुंदर साबित हो सकता है। ऐसे तमाम हमारे साथ छात्रों के माता पिता भी हैं जो इस विद्यालय में अपने छात्रों का, अपने बच्चों का प्रवेश करा के गौरवान्वित महसूस भी करते हैं। कितना अंतर है यहाँ और तमाम सामान्य स्कूलों की तुलना में, कैसा देखते हैं यहाँ का? नमस्कार सर, मेरा नाम अविनाश सिंह है, मैं फर्स्ट आई इंटेलीटॉर्स स्कूल में, मेरी बिटिया पढ़ती है। मुझे लगता है सर कि देखिए, मैंने एडमिशन क्यों कराया था, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो है कि नई चीज़ चालू हुई है, प्री स्कूल जो है अभी तक मिर्ज़ापुर में था नहीं ऐसा, जो मतलब कि एक चैन है, ठीक है, नेशनल लेवल पे ये सब स्कूल है, ठीक है। इस वजह से मैंने अपनी बिटिया को यहाँ पे डाला। यहाँ के टीचर स्टाफ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई हम देखते हैं रोज पे रोज, जो होता है डेली पे, हम लोग के मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी आता है कि क्या पढ़ाया गया हमारे बच्चे को, ये उसमें दिखाई देता है, उसमें यूट्यूब उस वीडियो आते हैं उसके कि बच्ची मेरी क्या पढ़ रही है, क्या खान उसका डेली। यहाँ पे हम लोगों से टीचर्स जो रहती हैं, हम लोगों से अटैच भी रहती हैं, तो हम लोग को बताती रहती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो एक गार्जियन के रूप में मुझे ये मालूम है कि मेरी बिटिया स्कूल में है, तो मेरी बिटिया क्या कर रही है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत जो है अच्छी बात आपने बताई कि पेरेंट्स को ये मालूम चलता रहता है बच्चों की एक्टिविटी, और शायद यही कारण है कि आपकी भी बिटिया घर से ज़्यादा स्कूल में रहना पसंद कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट क्राई इंटरव्यू स्कूल में मेरी भांजन पढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा सारी अपडेट्स आती रहती है एक्टिविटीज़ की, स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, इसको खुद से वोकअप करती है, हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है, रेडी होने के लिए भी मम्मा ये पहनना है, ये करना है, तो सारी चीज़ें वो खुद से ही करती है। मैं आराध्या की मॉम हूँ और ये नर्सरी क्लास में पढ़ती है, आई फर्स्ट क्राई स्कूल में पढ़ती है। यहाँ बहुत बहुत अच्छी टीचिंग होती है, बच्चों को काफ़ी केयर किया जाता है और लंच भी अच्छे से कराया जाता है, और बच्चे मतलब कि काफ़ी अच्छे से डॉट करके अच्छे से पढ़ाया जाता है, बच्चों में कोई दिक्कत नहीं, कोई केयरलेस नहीं, बहुत काफ़ी केयर। फर्स्ट क्राई इंटेलीटॉर्स स्कूल में हम मौजूद हैं और इस वक्त जनपद मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार हो चुका है। दरअसल यहाँ की जो शिक्षा है वो बिल्कुल न्यू मजबूत करने के आशय से तमाम छात्र यहाँ प्रवेश भी ले रहे हैं, और ऐसे कई छात्रों के परिजन हैं जो अत्यंत हर्षित भी महसूस कर रहे हैं। दरअसल यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा बताया जा रहा है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता के समकक्ष शिक्षा मुहैया अगर कहीं हो रहा है तो शायद इस विद्यालय का नाम सबसे पहले लोग ले भी रहे हैं। ये नर्सरी का क्लास है और हम आपको दिखाएंगे कि नर्सरी के बच्चे को किस तरीके से शिक्षा मुहैया कराई जाती है। स्कूल प्रशासक का ये दावा है कि बच्चों को मनोरंजन के माध्यम से बेहतर शिक्षा दी जा सकती है, और टोटल वातानुकूलित क्लासेस के अलावा जो तमाम अरेंजमेंट है वो हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो बच्चे हैं पूरी मस्ती के साथ, ताकि बच्चों का मन भी यहाँ लगता रहे, और जब बच्चों का मन लगेगा तो वो पढ़ने में भी सर्वांगीण विकास कैसे डेवलप हो, इसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। देखिए टीचर्स भी काफ़ी घुल मिल जाते हैं बच्चों के साथ, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बच्चे स्कूल नहीं बल्कि घर गए हैं। यहाँ के बच्चों का ये कहा जाता है, जो परिजन है वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि बच्चे घर से जिद करते हैं कि जल्दी से स्कूल चले। शायद यही एक कारण है कि बच्चे गार्जियंस और टीचर्स के साथ घुल मिल के जो यहाँ मौज मस्ती भी करते हैं, इसके पीछे इनका स्कूल आने की प्रबल इच्छा भी दिखाई देता है।
दरअसल जनपद मिर्जापुर में शिक्षा के क्षेत्र में अब जबरदस्त बदलाव देखने को भी मिल रहा है और आज हमारे साथ फर्स्ट क्राई इंटेलिटॉट्स की जो डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में अब जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे देखते हैं। बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू सर। ये जिस तरीके से निरंतर प्रतिदिन बदलाव आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, आपको क्या लगता है कि अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किस तरीके का माहौल ज़्यादा पसंद आता है? एक्चुअली बच्चे आजकल जो है प्ले वे मेथड से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके लिए मॉन्टेसरी और प्ले वे मेथड बहुत ही बेस्ट होता है पढ़ने के लिए। आजकल जो मीडिया आ गई है वो बच्चों का माइंड बिल्कुल डाइवर्ट कर दे रही है। बच्चे ज़्यादा टाइम मोबाइल में और टीवी में स्पेंड कर रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो उसके लिए हमें बहुत कोशिश करना होगा कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा माहौल उन्हें दें कि वो आगे बढ़ें। तो उसको नज़र में रखते हुए हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और ऐसे स्कूल को बनवाया है। यहाँ पर बच्चे प्ले वे मेथड से खेलते हैं, उनका खेलने पढ़ने का तरीका ही बहुत अलग होता है। बच्चे यहाँ ट्राई के थ्रू और अदर एक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ते हैं, जैसे कुछ बॉल्स हो गए और बॉल्स हो गए, शेप्स हो गए, उससे हमने बच्चों को शेप के बारे में बताया और कलर्स के बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ें जो हमने मॉन्टेसरी मेथड से ही बताते हैं। मॉन्टेसरी मेथड डेमो, तो हमने किसी चीज़ का डेमो दिखाया, अदर थिंग दिखाई, बच्चे उससे इंप्रेस हुए और एक बार जो बच्चों में होता है कि वो जिस चीज़ को देख लेते हैं उसके बाद वो उनके माइंड में फिट हो जाती है। तो मॉन्टेसरी मेथड यही है। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होकर यहाँ आ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे भी बहुत खुश हैं इस स्कूल में आके। जी, शायद यही कारण है कि जो तमाम छात्रों के जो परिजनों ने आज हमको बताया कि उनके जो बच्चे हैं वो खुद जिद करते हैं कि स्कूल चलो। ऑफकोर्स सर, और बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। मतलब जाते वक्त बच्चे रोने लग रहे हैं कि उन्हें स्कूल से जाना नहीं है। इसके अलावा हमने बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, हमने नैपी रूम बनवाया है कि बच्चे कभी सिक हो जाते हैं या बच्चे पढ़ते पढ़ते सो गए थके हैं तो उनके लिए हमने एसी रूम की व्यवस्था की है जिसमें बच्चे आराम से सो सकते हैं। बाकी हमारा मेन मोटो है सेफ्टी एंड हेल्थ एंड हाइजीन, उस पर हमने भी ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और हमारे पास एक किचन भी है, पेंट्री रूम, उसमें हम बच्चों के जो बच्चे जैसे गर्म खाना खाना चाहते हैं, कोई बच्चे दूध लेते हैं, तो सारी फैसिलिटी हम उन्हें देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ के उन छात्रों का केयर करती हैं और विशेष अति प्रशिक्षित जो है टीचर्स को भी आपने अपॉइंट किया है। ऑफकोर्स सर, मेरे सारे टीचर्स पुणे फर्स्ट ट्राई इंटेलिटॉट्स कंपनी से ट्रेंड हैं। इनकी हर महीने ट्रेनिंग भी होती है और कंपनी हमेशा सुपरवाइज के लिए किसी को सुपरवाइजर को यहाँ भेजती है और वो पूरे अच्छे से स्कूल को सुपरवाइज करते हैं। और बच्चे किसे प्यारे नहीं होते सर, बच्चे तो हमारे जान होते हैं और बच्चों का तो बच्चों की बात ही अलग है। जब जो तमाम अभिभावक सुन रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, कौन कौन से क्लास में इस वक्त प्रवेश लिया जा सकता है? सर, एक्चुअली ये कोर प्री स्कूल है। हमारे यहाँ 4 क्लासेस अवेलेबल हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, PP1 और PP2। क्या छात्रों को ले आने और घर पहुँचाने की भी सुविधा है? ऑफकोर्स सर, हमने इसी वैन प्रोवाइड की है बच्चों को। बच्चे एसी वैन से आते और एसी वैन से ही जाते हैं और ये हमने बच्चों की सेफ्टी के लिए और हर चीज़ के लिए लेडीज़ गार्ड रखी है। बच्चों को ज़्यादा एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम ना हो, पूरी स्कूल हमने एसी बनाई हुई है। हमने हर बच्चों की हर सुविधा का ध्यान रखा हुआ है। जी, ये विद्यालय कहाँ पर स्थित है और ये भी बताएं कि क्या तमाम टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल करके जो है गार्जियंस को और बच्चों को अपडेट रखा जाता है? ऑफ कोर्स सर, हमारा एक अपना पोर्टल है जो हर पेरेंट्स को भी प्रोवाइड होता है। इसके अलावा हमारे जो टॉय हैं सब फर्स्ट ट्राई से टेस्टेड आते हैं ताकि बच्चों के उनसे कोई हार्म ना हो और सब कुछ सर फर्स्ट ट्राई के थ्रू ही चलता है। उनकी करिकुलम वगैरह सब फर्स्ट ट्राई कंपनी डिसाइड करती है और फर्स्ट ट्राई जो एक ब्रांडेड कंपनी है उस पर किसी भी तरह का कोई संदेह करना उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो आपने देखा कि जिस तरीके से जो इच्छा शक्ति है वो एकमात्र है कि बच्चों का प्राइमरी स्टेज पे ही अगर उनके नींव को मजबूत रखा जाएगा तो जो बच्चों का भविष्य होगा वो बहुत ही सुंदर और मजबूत साबित हो सकता है। फिलहाल विद्यालय की प्राथमिकता में सिक्योरिटी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील इस विद्यालय में निरंतर तमाम ऐसे छात्र हैं जिनके परिजन प्रवेश के लिए निरंतर लालायित भी दिखाई देते हैं। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की।